तो बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली से निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 70 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है, लेकिन बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 15 जो विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं। इसको लेकर बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और इसमें कई मुस्लिम विधायक भी शामिल है। आम आदमी पार्टी में बगावत की स्थिति बन चुकी है। कितने यहाँ पर विधायक जो है बीजेपी में शामिल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की जानकारी आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 40 मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है 70 में से। और अगर बात की तो आम आदमी पार्टी ने 8 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है, तो 15 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है, जिसके बाद काफी खलबली मच चुकी है। मोदी जी ने अपने घर पर बुला के बोला है कि आपके यहाँ से 20-21 करोड़ रुपया लेकर राम सिंह नेता टिकट चाह रहा है, आप पार्टी की फाइनेंशियली कितनी मदद करेंगे? मैंने कहा जी मैं तो पैसा नहीं दे सकता। उन्होंने मेरे से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी। पूरी दिल्ली में मैसेज जाएगा कि टिकट शरीफ आदमी का काट के क्या फायदा पहुंचा है पार्टी को। एक कमालुल्लाह खा पूरी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके कहने पे पार्टी चल रही है। ये एक पार्टी को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और इसमें कई बड़े यहाँ पर दिक्कत जो है वो यहाँ पर उनका टिकट नहीं मिला है, इसके बाद वो बौखलाए हुए हैं और काफी उन्होंने बताया कि नुकसान अब आम आदमी पार्टी को होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 15 विधायकों का टिकट कट चुका है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जो है मटिया महल के लिए। अगर आपको दिखा दें तो यहाँ से कुल वोटर 1,15,944 वोटर हैं, जिसमें कुल यहाँ पर मुस्लिम 55% मुस्लिम यहाँ पर आबादी है और यहीं से मुस्लिम विधायक का टिकट कट गया है। और जो यहाँ पर नए कैंडिडेट है वो है शोएब माल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। क्या जनता उनको एक बार फिर से यहाँ पर जीत दिलाई, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में है। 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2015 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस कारण से यहाँ पर जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि कांग्रेस से जीते थे और कांग्रेस से अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या जनता उनको एक बार फिर से जीत दिला पाएगी या नहीं? द्वारका से हुए आदर्श शास्त्री भी यहाँ पर टिकट नहीं मिला है और मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला विधायक हूँ और उनका टिकट कट गया है, लेकिन फिर भी कहना है कि केजरीवाल के साथ हूँ। इसके अलावा अगर बात की तो दिल्ली में जो कैंट कमांडो सुरेंद्र सिंह का भी टिकट कट गया है, ये बड़ी यहाँ पर उलटफेर देखने को मिला है। तो 15 विधायकों के टिकट कटे हैं, ये बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी के लिए। और 70 विधायकों की भी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और इनमें 8 महिलाओं के लिए टिकट दिया गया है। और इन 15 कैंडिडेट की अगर बात करें तो ये 15 कैंडिडेट की लिस्ट है जिनके नाम यहाँ पर हैं, जिनके टिकट इस बार नहीं मिले हैं। इनकी जगह पर कांग्रेस से आए कुछ ऐसी यहाँ पर जो खबर है कि मात्र 24 घंटे पहले कैंडिडेट जो कांग्रेस से निकल कर आए हैं उन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। इससे पहले 3 कैंडिडेट जो है कांग्रेस से निकल कर आए हैं उन्हें यहाँ पर बहुत जल्द टिकट मिला है। और कुछ यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया है और 15 जो मौजूदा यहाँ पर एमएलए हैं उनके टिकट कट दिए गए हैं। और इसके अलावा 70 कैंडिडेट की भी लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी ने अपना पूरे पैतरे यहाँ पर चल दिए हैं और कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी में बगावत की स्थिति बन चुकी है। कई मौजूदा जो विधायक उनके टिकट कटने के बाद कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है कि उनको नुकसान होने वाला है, पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है। कई विधायकों का ऐसा मानना रहा है कि टिकट जो है उनको पैसों में दिए गए हैं और उनसे डिमांड की गई थी पैसों के लिए, इस कारण से उनको टिकट नहीं मिला है। तो ये फिलहाल यहाँ पर 70 जो कैंडिडेट उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत जल्द यहाँ पर बीजेपी और अन्य जो दल है उनकी कैंडिडेट लिस्ट जारी होगी, इसके बाद आपको फाइनल ओपिनियन को दिखाएंगे कि कौन कहाँ से जीत सकता है, एक सीट की सटीक जानकारी आपको मिले। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को जो 15 कैंडिडेट के यहाँ पर टिकट काट दिए गए हैं, जिनमें कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनके टिकट इस बार काटे गए हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।